नमस्कार जनाब, आप सबका स्वागत है ब्लॉग टुडे के नए एपिसोड में। और आज मैं हूँ जमशेदपुर में और आप लोग मेरे पीछे आप जैसे कि देख ही पा रहे होंगे, आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं MGM मेडिकल कॉलेज को, हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए वीडियो में आप लोग बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, आप लोग को कैंपस टोटल बताऊँगा। और चैनल पर जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए अब थोड़ा चलते हैं, इसका कैंपस को एक्सप्लोर करते हैं। और हमको जो हेल्प कर रहे हैं अपना सौरभ बॉस है, अपना 17 बैचिंग है इस कॉलेज के, तो हमको पूरा कैंपस घुमा रहे हैं। और जब हम यहाँ कॉलेज में पहली हॉस्टल में आए तो पहली बार सौरभ बॉस से ही मिले थे, और आज मिला जुला फुल दिन जो मैंने सौरभ बॉस को बहुत तंग किया, इसीलिए सॉरी। तो मेडिको को हेल्प करता है जी, ये बात है, मेडिको चाहे कहीं का भी हो, मतलब हम लोग ऐसे तो अलग अलग है लेकिन यूनाइटेड बाई मेडिको हैं। ये बात हम जब ये ट्रिप पे निकले हैं तो हमको पता लग रहा है, क्योंकि आज ये मेरा 7वां या 8वां कॉलेज है जिसमें मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ अभी। तो चलिए आप लोगों को थोड़ा कैंपस का आइडिया देते हैं। ये आप लोग जो देख पा रहे हैं कॉलेज के फ्रंट में वो वॉलीबॉल कोर्ट है, और वॉलीबॉल कोर्ट के बाद में ही हम लोग का क्रिकेट ग्राउंड है कॉलेज का। और इधर कुछ नज़ारा इस प्रकार है कि कॉलेज का मेन एकेडमिक बिल्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के पास जो उधर हम लोग चलेंगे अगर, तो वो उधर गर्ल्स हॉस्टल का पोर्शन आएगा। और आप लोग जो मेन एकेडमिक बिल्डिंग देख पा रहे हैं यही जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, एकेडमिक बिल्डिंग है, जो बोलिए सब क्लासेस यहीं पे लगती है। और इस बिल्डिंग के पीछे जो हम लोग का कैफेटेरिया है, और कैफेटेरिया के बाद में जो है बॉयज़ हॉस्टल है। तो हम लोग बारी बारी से हर जगह चलेंगे, तो फिलहाल हम लोग चलते हैं अभी क्रिकेट ग्राउंड की तरफ जहाँ मैच हो रहा है। क्या सौरभ भाई, और जना आप लोग ये जो देख पा रहे हैं ये कैंपस के अंदर ही है, और तालाब भी कैंपस के अंदर में ही आता है। और वो जो फ्रंट पे आप लोग देख पा रहे हैं वो गर्ल्स हॉस्टल है, और आप लोग बस गर्ल्स हॉस्टल के पीछे का नज़ारा देखो, है ना, एकदम ड्रीम कॉलेज, मतलब वादियों में बसा टोटल। और इधर हम लोग का जो मेन कैंप एकेडमिक बिल्डिंग इधर बना हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं MGM मेडिकल कॉलेज के बारे में, थोड़ा इन्फॉर्मेशन जो बॉस हमको बताएं उसी के हिसाब से। ये कॉलेज तो बना बहुत पुराना है, 1916 में बना, तो 1916 में बनने के बाद जो है ये कॉलेज में 50 सीट का हुआ करता था। उसके बाद जो है 2013 में जो है पहला 100 बैच का स्टार्ट हुआ, और फिलहाल अभी जो है 100 बैच का ही चल रहा है। मतलब इसका सीट जो है MBBS मतलब UG में 100 ही है, और बस PG का तो सीट यहाँ नहीं है। PG होता है बट उतना ज़्यादा, मतलब ऐसे रिम्स में बहुत ज़्यादा सीट है। हाँ, रिम्स में बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, उतना ज़्यादा मतलब यहाँ, अच्छा मतलब यहाँ भी PG का डिपार्टमेंट है लेकिन उतना नहीं है, मतलब बहुत कम कम डिपार्टमेंट। लाइब्रेरी की तरफ ऑडिटोरियम उसके पीछे लाइब्रेरी। अच्छा, तो चलिए हम अभी चलते हैं लाइब्रेरी और ऑडिटोरियम की तरफ। और फिलहाल हम लोग जो चलते चलते आ चुके हैं, आप लोग इधर देख पा रहे होंगे जो प्लस का साइन है दिख रहा है वही गर्ल्स हॉस्टल है, और इधर भी बहुत, इधर भी गर्ल्स हॉस्टल है ना पूरा गर्ल्स। मतलब इधर आप लोग जितना भी सारा बिल्डिंग देख पा रहे हो, गार्डन, मतलब ये बागीचा के बाद में टोटल गर्ल्स हॉस्टल का पोर्शन है। और फिलहाल हम लोग इस रोड पर चल रहे हैं, सीधा आज के पहुंच चुके हैं जस्ट एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के पीछे जो आप लोग ये देख पा रहे हैं, ये ऑडिटोरियम है। और ऑडिटोरियम के पास थोड़ा बहुत पेड़ पौधा भी है, तो मतलब एज इट इज़ ये रिम्स के कंपेयर में ही इसका भी कैंपस है। मतलब कैंपस एरिया छोटा है लेकिन पेड़ों से हरा भरा पूरा। गर्ल्स हॉस्टल के पीछे जितने प्रोफेसर हैं, टीचर्स हैं, सबका आप लोग ध्यान दीजिए ज़रा बॉस के बात पे बताइए बॉस। ये गर्ल्स हॉस्टल के पीछे जितने भी प्रोफेसर हैं, टीचर्स हैं, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, सबका जो क्वार्टर्स है सब यहीं पे है, इसके पीछे ही है। मतलब जो पहाड़ हम लोग आगे देख पा रहे हैं, आप लोग भी देखने का प्रयास कीजिए, आगे ही पहाड़ है। तो जो ये वाले पहाड़ की हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब पहाड़ के जस्ट बगल में गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल के पीछे जो जैसे बॉस आप लोग को बताएं एडमिनिस्ट्रेटिव टोटल। और बस ये शायद हम लोग लाइब्रेरी में आ सकते हैं क्या? नहीं, ये ऑडिटोरियम। अच्छा, ऑडिटोरियम का ही पोर्शन है ये, मतलब हम लोग जो आप लोग फ्रंट से दिखाएं थे आप लोग को यही ऑडिटोरियम का पीछे वाला हिस्सा है। आप देख पा रहे हैं गर्ल्स हॉस्टल को बगल से, यही गर्ल्स हॉस्टल है। और ये शायद बॉस ये है ना एडमिनिस्ट्रेटिव जो होता है क्वार्टर, तो ये हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव का क्वार्टर्स टोटल गर्ल्स हॉस्टल के पीछे में। और ये टॉयलेट है साइड में, पब्लिक यूज़ के लिए। तो हम लोग चलते चलते फिलहाल इसी रास्ते से आए हैं टोटल इधर,
और कॉलेज के तो क्लब में हम लोग पीछे पहुंच चुके हैं, और इधर क्वार्टर वगैरह है, और आप लोग बस इधर का नज़ारा देखो पहाड़ का, वादियों में बसा एक क्वार्टर। बस पता नहीं कि हम किधर, थोड़ा थोड़ा शिमला वाला मतलब ये आ रहा है, फील आ रहा है जैसे हम शिमला में आ गए हैं, मतलब पीछे पहाड़ आगे कॉलेज, या फिर दार्जिलिंग में, मतलब दार्जिलिंग में जैसा होता है कि दार्जिलिंग में पीछे आगे पीछे पहाड़ है, उसके बीच कॉलेज वैसा हुआ है। मैं हूँ ना मूवी में नहीं आता हाँ उसी टाइप का है। यहाँ पर भी मूवी शूट होने लगा कि लोकेशन है, तो आप लोग अगर कोई शॉर्ट मूवी शूट करना चाहते हो तो इस लोकेशन पर आ सकते हो, MGM मेडिकल कॉलेज में आके सौरभ बॉस से मिलिए, बहुत ही हेल्पफुल है। ये प्रमोशन के लिए था मतलब MGM कॉलेज के प्रमोशन कर रहे हैं हम, बहुत ही मस्त लोकेशन है, मतलब बोलने पे ही बनता है बॉस, क्योंकि लोकेशन इतना मस्त है ना, मतलब आप लोग देख पा रहे हैं पहाड़ है, जस्ट कॉलेज का बिल्डिंग इधर है, इधर बस पीछे अपना पहाड़ है, मतलब और किसी को पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो बस पीछे ताकते रहो, बस उसी में खो जाओ लोकेशन में। तो आप लोग ये जो देख पा रहे हैं ये कैफेटेरिया है नीचे, मतलब यहाँ कैंटीन है कॉलेज का, और इसी बिल्डिंग के ऊपर में ही जो है लाइब्रेरी है। तो नो स्मोकिंग नो अल्कोहल। तो हम लोग अभी चलते चलते आ चुके हैं, कौन सा बिल्डिंग है, कैफेटेरिया वाला, लाइब्रेरी वाला जो बिल्डिंग है, हम लोग उसके छत के ऊपर आ गए हैं, सांस फूल रहा है क्योंकि सीढ़ी बहुत ज़्यादा चढ़ के आए हैं, फोर्थ या फिफ्थ फ्लोर है शायद। यहाँ हमको एक चीज़ बहुत ही अच्छा लगा, उम्दा लगा कि हर बिल्डिंग के ऊपर में जो सोलर पैनल लगा हुआ है, और इसी से जो है सप्लाई होता है टोटल इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब जब कटता है इलेक्ट्रिसिटी तब। और आप लोग को यहाँ ऊपर इसलिए आए हैं कि ऊपर का से टोटल नज़ारा दिखाने के लिए। तो कुछ छत के ऊपर से कुछ इस प्रकार का नज़ारा दिखता है, और कैंपस के एक साइड में कोना में रहा ये हम लोग का बॉयज़ हॉस्टल।